हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब के चैनल में। इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं इंग्लिश के लेसन हाउ द कैमल गोट हिज हम्प। ये रुडार्ड किपलिंग के द्वारा लिखा गया है और ये जो बुक है इस बुक का नाम है इट सो हैपन, उस बुक से लिया गया है। तो इसकी जो वर्ड मीनिंग को पढ़ेंगे हम और लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे हिंदी भाषा में। तो शुरुआत करते हैं। इन द बिगिनिंग व्हेन द वर्ल्ड वाज न्यू एंड द एनिमल वर जस्ट बिगिनिंग टू वर्क फॉर मैन, देर वाज अ कैमल एंड ही लिव्ड इन द मिडल ऑफ फॉलिंग डेजर्ट बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू वर्क। तो इन द बिगिनिंग, बिगिनिंग क्या होता है? शुरुआत में। व्हेन द वर्ल्ड, जब वर्ल्ड वाज न्यू, जब क्या था, संसार था, नया था, और जो एनिमल थे वर जस्ट बिगिनिंग टू वर्क फॉर मैन, जो एनिमल थे, पशु थे, उन्होंने बस शुरुआत ही की थी आदमी के लिए काम करने की। देर वॉज ए कैमल, वहाँ पर एक क्या था, ऊँट था। कैमल क्या होता, ऊँट। एंड ही लिव्ड इन द मिडल ऑफ फॉलिंग डेजर्ट, और वो कहाँ पर रहता था, जो एक डेजर्ट था, रेगिस्तान है, उसके मिडल में रहता था, क्योंकि वो काम करना नहीं चाहता था। ही डिड नॉट वॉन्ट टू वर्क। ही एट स्टिक एंड थॉर्न्स एंड प्रिकल्स एंड व्हेन एनीबॉडी स्पोक टू हिम ही सेड हम्प, जस्ट हम्प एंड नो मोर। जब भी उससे कोई बात करता, वो वहाँ पर वो स्टिक्स है उनको खाता था, और जो कांटे हैं उनको खाता था, और जब भी उससे कोई बात करता था तो बस यही वर्ड वो बोलता था, हम हम हम, और इससे ज़्यादा अधिक कोई नहीं। प्रेजेंटली द हॉर्स केम टू हिम ऑन मंडे मॉर्निंग विद ए सैडल ऑन हिज बैक एंड सेड, कैमल ओ कैमल कम आउट एंड ट्रॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस। तो उसके पास जो मंडे मॉर्निंग को एक वो आया, हॉर्स आया उसके पास, उसके जो पीठ पर एक सैडल थी, सैडल का होता जिस पर बैठ के एक सवारी करते हैं आदमी, तो बोला कि देखो इसको मेरे क्या लगा हुआ है और हमारे तरह तुम भी आ जाओ। बोला हम्प सेड द कैमल, उसने कहा हम्प, फिर वही वर्ड दोहराया उसने, और जो है हॉर्स है, घोड़ा, वो वहाँ से चला गया एंड टोल्ड द मैन, और उसको आदमी को चीज़ बताई। प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम, फिर क्या हो गया, एक डॉग आया उसके पास विद ए स्टिक इन हिज माउथ, तो अपने जो मुंह में उसने क्या ले रखा था, एक स्टिक, एक डंडा ले रखा था, एंड सेड, और उसको कहा कैमल ओ कैमल कम एंड फेच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस, वैसे हमारे ऊँट ओ ऊँट हमारे तरह। वो डॉग था, वो कुत्ता था, वो क्या करता था, जब उसको दूर फेंक देते थे वो लकड़ी के स्टिक, तो उसको ले के आता था, वो बोलता, उसने उसको बोला कि हमारी तरह फेच करो और इसको कैरी करो। तो हम्प सेड द कैमल, तो फिर उसने उसको हम्प वही वर्ड दोहराया, एंड द डॉग वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, और वो जो डॉग था वो आदमी के पास चला गया और उसको बात बताई। प्रेजेंटली द ओक्स केम टू हिम विद ए योक ऑन हिज नेक एंड सेड कैमल ओ कैमल कम एंड प्लो लाइक द रेस्ट ऑफ अस। फिर क्या, उसके पास बैल आया और उसके जो पीठ पर क्या था, एक योक था, और बोला कि हमारी तरह तुम प्लग करो, मतलब कि वो जो जोतने का काम करते हैं हमारे की तरह, जो खेत होते हैं उनको जोतो। हम्प सेड द कैमल, फिर उसने उसको क्या कहा, हम्प बोला, और जो ओक्स है, ओक्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, जो ओक्स है वो दूर चला गया और जो आदमी को उसने बात बताई। एट द एंड ऑफ द डे मैन कॉल्ड द हॉर्स द डॉग एंड ऑक्स टुगेदर एंड से थ्री ओ थ्री आई एम वेरी सॉरी फॉर यू। दिन के अंत में जो आदमी है उसने बुलाया एक हॉर्स को, डॉग को और ऑक्स को टुगेदर, एक साथ बैल को, घोड़े को और कुत्ते को, के बताया कि थ्री ओ थ्री, तुम तीनों, आई एम वेरी सॉरी फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। द हम्प थिंग इज इन द डेजर्ट कैन नॉट वर्क और ही वुड हैव बीन हेयर बाई नाउ, सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट। तो बोलता है कि जो मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि जो हम्प जो चीज़ है डेजर्ट में,
रेगिस्तान में वो काम नहीं कर सकती। अगर उसको काम करना होता तो अभी तक यहाँ पर आ जाता, तो मैं उसको वहीं पर छोड़ना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू लिव हिम अलोन एंड यू मस्ट वर्क। अब तुम्हें है जो डबल टाइम काम करना पड़ेगा, जो उसका जो काम है उसके हिस्से का भी काम करना पड़ेगा। दैट मेड द थ्री वेरी एंग्री एंड दे हेल्ड ए पंचायत ऑन द एज ऑफ द डेजर्ट। ये ऐसा बोलने से वो जो तीनों थे वो बहुत ही गुस्सा हो गए, और जो उन्होंने एक पंचायत रखी, एक सभा रखी जो डेजर्ट होता है यानी कि रेगिस्तान, उसके किनारे पर। एंड द कैमल केम च्यूइंग कड एंड लाफ्ड एट देम। और वहाँ पर जो ऊँट है वो चबाते हुए आया और उनकी तरफ देख के हंसा। ही सेड हम्प एंड वेंट अवे अगेन। फिर उसने हम्प बोला और वह चला गया वहाँ से। प्रेजेंटली देयर कम अलोंग द जिन जिन चार्ज ऑफ ऑल डेजर्ट एंड रोलिंग इन द क्लाउड ऑफ डस्ट। फिर वहाँ पर एक जिन आया। जिन क्या होता है? एक भूत जिसके अंदर जादू होता है। जो क्या था, सारे जो रेगिस्तान है उसका इंचार्ज था, और किस में वो घूमता आया, एक जो क्लाउड होता है, बादल होता है, डस्ट यानी कि धूल का बादल में वो आया। जिन नो पाल डेजर्ट सेट द हॉर्स, इज इट राइट फॉर एनी वन टू बी आइडल। तो जिन है उसने बोला, उन्होंने हॉर्स ने उसको बोला कि सारे जो डेजर्ट है रेगिस्तान के जिन, क्या किसी के लिए जो आइडल है यानी कि निठल्ला रहना बढ़िया है? सर्टनली नॉट सेड द जिन। तो जिन है उसने बोला कि नहीं, बिल्कुल नहीं। वेल सेड द हॉर्स, देर इज ए थिंग इन द मिडल ऑफ योर डेजर्ट विद ए लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग लेग्स एंड ही हैज नॉट डन ए स्ट्रोक ऑफ वर्क्स इन मंडे मॉर्निंग, ही वॉन्ट ट्रॉट। तो उसने बोला कि भाई वहाँ पर एक जानवर है और उसके बहुत ही लंबे लंबे पैर हैं, और जो उसके जो लंबे जो है गर्दन है, अभी तक उसने कोई भी काम नहीं किया। ही वॉन्ट ट्रॉट, वह कोई भी मतलब के यात्रा और कहीं पर जाना हो कहीं पर भी नहीं गया है। व्यू सेड द जिन विस्लिंग, उसने सीटी बजाते हुए कहा, व्यू दैट्स माई कैमल, वह मेरा ऊँट है। वट डज ही से अबाउट इट, वह क्या बोलता है इसके बारे में? ही से हम्प एंड ही वॉन्ट प्लग सेड द ऑक्स, उसने कहा कि वह हम्प बोलता है और वो कोई मतलब कि उसने खेत नहीं जोता। ऑक्स बोला, बैल बोला, वेरी गुड सेड द जिन, आई विल हम्प हिम इफ यू विल क्विकली वेट ए मिनट। वो बोलता है कि मैं उसको हम्प करता हूँ अभी, अगर तुम एक मिनट इंतजार करोगे। हम्प क्या होता है? डील करना उसके मतलब के अप्रोप्रिएट से तरीके से उसको ट्रीट करना, लेकिन मैं ठीक करता हूँ उसको। तो जिन है रिमोन्स्ट्रेटेड विद ए कैमल हु सेड हम्प। तो जिन है वो ऊँट के पास पहुँच गया जिसने कहा था हम्प, फिर वही बोला था। द कैमल ब्यूटिफुल बैक सडनली ग्रू ए हम्प विच वॉज द कैमल हम्प, जो था फिर उसकी जो जो पीठ है उस पर एक वो बन गया हम्प, कैमल की पीठ पे अचानक ही एक वो हो गया थोड़ा सा ऊपर का बार, और जो वो कैमल का हम्प था। जो जिन था उसने अशोर किया कैमल को के ऊँट को कि भाई ये तुम्हारी हमेशा सहायता करेगा, नॉट ए हिंड, ये कभी बाधा नहीं पड़ेगी। द जिन द रोल हिमसेल्फ अप इन हिज डस्ट क्लॉक एंड टोल्ड टू के वॉक अक्रॉस द डेजर्ट एंड फाउंड द कैमल लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन ए पूल ऑफ वाटर। जो था जिन था उसने अपने आप को ऊपर किया और देखा कि भाई कहाँ पर है, डेजर्ट है रेगिस्तान में ढूंढा उसने, और जो कैमल है ऊँट उसको देखा और मिला उसको ऊँट। वो क्या कर रहा था? जो अपनी जो परछाई है उसको देख रहा था पानी में। माई फ्रेंड सेड द जिन, मेरे दोस्त कहा उस जिन ने, व्हाट्स दिस आई हियर ऑफ यू डूइंग नो वर्क, क्या सुना मैंने तुम्हारे बारे में कि तुम कोई काम नहीं कर रहे हो। द जिन सेट डाउन, जो जिन है उसके पास बैठ गया विद हिज चिन इन हिज हैंड, जो उसके जो हाथ थे अपने ठोड़े पे लगाए उसने। और वाइल द कैमल लुक्ड एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द पूल ऑफ वाटर, जबकि जो है ऊँट है वो अपनी जो परछाई है वो देख रहा था अपनी जो रिफ्लेक्शन जो पानी में अंदर। यू हैव गिवन द थ्री एक्स्ट्रा वर्क एवर सिंस मंडे मॉर्निंग, या तुम उनको एक्स्ट्रा वर्क काम करवा दिया उन तीनों को
ऑन अकाउंट ऑफ योर आइडलनेस, तो तुम है ठाली पड़े हो, कुछ काम नहीं कर रहे, निठल्ले हो इसकी वजह से, जिन ने कहा उसे। एंड ही वेंट ऑन थिंकिंग विद हिज चिन इन हिज हैंड, और वो अपने जो हाथ है उसको लगा के ठोड़ी पर वो सोचने लग गया। हम्प सेड द कैमल, तो उसने फिर बोला वही हम्प, आई शुड नॉट से दैट अगेन इफ आई वर यू, सेड द चिन। उसने कहा कि मुझे हम्प नहीं बोलना चाहिए अगर मैं तुम्हारी जगह होता। यू माइट से इट वंस और टू ओपन, आई वॉन्ट यू टू वर्क। तो बोला कि तुम इसको ज़्यादा बार बोलने लग गए हो और मैं तुम्हारे लिए चाहता हूँ कि तुम काम करो। एंड द कैमल सेड हम्प अगेन, और फिर उसने तो हम बोला, बट सुनर हैड ही सेड इट देन ही सा हिज बैक। जैसे ही उसने बोला हम्प, उसने अपनी जो पीठ है वो देखी, देर वॉज दैट ही वॉज सो प्राउड ऑफ, जो इसका जो तो ग्रव था जिसके ऊपर, पफिंग अप इन द ग्रेट बिग हम्प। और वहाँ पर क्या हो गया, एक हम्प हो गया, यानी कि उसकी जो जगह थी वो पीठ की वो ऊपर से उठ गई। डिड यू सी दैट, सेड द जिन, क्या तुमने वो देखा, दैट्स योर वेरी ओन हम्प दैट यू हैव ब्रॉट अपॉन योर ओन सेल्फ बाई नॉट वर्किंग। ये तुम्हारा खुद का ही जो हम्प है और जो तुमने अपने आप ही उठा लिया है अपने जो कमर पर, किसके कारण, काम ना करने के कारण। टुडे इज थर्सडे, आज थर्सडे का दिन है, एंड यू हैव डन नो वर्क सिंस मंडे, आज जो है थर्सडे का दिन है और तुमने मंडे से कोई काम नहीं किया है। व्हेन द वर्क बिगेन, जब काम शुरू हुआ था, नाउ यू आर गोइंग टू वर्क, अब तुम है काम करोगे। हाउ कैन आई, मैं कैसे काम कर सकता हूँ, सेड द कैमल, ऊँट ने कहा, विद दिस हम्प ऑन माई बैक, जो ये मेरे पीठ पे तो ये एक हम्प है, अब कैसे काम करूँगा। दैट हैज ए पर्पस, बोला कि इसका एक उद्देश्य है। जिनने कहा, ऑल बिकॉज यू मिस्ड दो 3 डेज, क्योंकि तुमने क्या कर दिया, 3 दिन है वो मिस कर दिए। यू विल बी एबल टू वर्क नाउ फॉर 3 डेज विदाउट ईटिंग, अब तुम काम कर पाओगे 3 दिनों तक बिना कुछ खाए। बिकॉज यू कैन लिव ऑन योर हम्प, क्योंकि तुम अपने जो हम्प है इस पर जी सकते हो। एंड डोंट यू एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू, और फिर कभी मत बोलना कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। कम आउट ऑफ द डेजर्ट एंड गो टू द थ्री एंड बिहेव, अब इस रेगिस्तान से बाहर आओ और 3 के पास जाओ और एक बिहेव करो, अच्छे तरीके से व्यवहार करो। एंड द कैमल वेंट अवे टू जॉइन द 3, और जो है तीनों को ज्वाइन करने के लिए ऊँट चला गया। एंड फ्रॉम दैट डे, और उस दिन से ही क्या हो गया, टू दिस द कैमल ऑलवेज वियर ए हम्प, और उस दिन से आज तक वो क्या है कि हम्प उसके जो पीठ पे रहता है। वेल कॉल इट ए हम्प नाउ नॉट टू हर्ट हिट फीलिंग, तो उसको जो है हम बुलाते हैं हम, ताकि उसकी जो फीलिंग है वो हर्ट ना हो। बट ही हैज नेवर येट कॉट अप विद द 3 डे, परंतु आज भी उसने जो 3 है वो 3 दिन जो उसने पीछे रहा था, उसको 3 दिन जो उसने काम नहीं किया था तो पूरा नहीं किए हैं। विद द 3 डे दैट ही मिस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड, जो उसने 3 दिन दुनिया के मिस कर दिए थे जो काम के शुरुआत में। एंड ही हैज नेवर येट लर्न हाउ टू बिहेव, और उसने अभी तक बिहेव करना अभी तक सही नहीं सीखा है, उसको ये चीज़ सीखनी बाकी है। तो ये एक रुडार्ड किपलिंग की एक बहुत ही बढ़िया स्टोरी थी, आशा करता हूँ आपको बढ़िया लगी होगी। थैंक यू वेरी मच।